हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सिंचना और आज मैं आप लोगों से कर्नाटका पीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 पर लेक्चर डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और प्लीज़ वॉच कर लीजिए केयरफुली। सो पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर बाय कैपिलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो इसका आंसर होता है h = 0.30/d। सो ये है कांस्टेंट और ये हम डायमीटर और हाइट भी वेरी होता है और 0.30 कांस्टेंट होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्टली पेयर्ड। सो पेयर्ड ऑप्शन मीन्स विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो बनाना का वैरायटी होता है ग्रैंडिन, ग्रेप का वैरायटी होता है सोनाका, गावा का वैरायटी होता है सरदार, पर सपोटा का वैरायटी सूर्या नहीं होता है, पर सूर्या का वैरायटी का सूर्या का फ्रूट होता है पपाया और ब्रिंजॉल। इफ़ पपाया और ब्रिंजॉल इज़ गिवन, पर ये इसका आंसर होता है सही, पर सपोटा का सूर्या गलत होता है। ओके, राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पीच लीफ कर्ल। सो पीच लीफ कर्ल ये एक्सेप्शन है लीफ कर्ल। सो इसका आंसर होता है फंगाई। सो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है टफरीना डिफॉर्मेंस। ओके, द क्रॉप्स इन्फेस्टेड विथ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट वीड। सो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट वीड का आंसर होता है ल्यूसर्न। ल्यूसर्न कंप्लीट स्टेम पैरासाइट वीड होता है कास्क्यूटा और कास्क्यूटा इन्फेस्ट करता है ल्यूसर्न पर सोयाबीन और काउपी पर कम होता है पर ज़्यादा होता है ल्यूसर्न, पर इसमें कास्क्यूटा नहीं इन्फेस्ट नहीं करता है। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग टॉक्सिन। एस्परजिलस फ्लेवर ने ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन, पर ओकराटॉक्सिन, एमाटॉक्सिन, फ्लेवोटॉक्सिन ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस स्पीसीज ओनली, पर इसका स्पीसीज डिफर होता है। ओके, द बुक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन वर्क इज़ रिटन बाय। सो बुक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन वर्क इज़ रिटन बाय H.C. Sanders। ओके, late kharif variety of onion released from DOGR Rajgurunagar is। सो इसका आंसर होता है बीमा सुपर। सो ये बीमा होता है ना प्रिफिक्स, ये राजगुरुनगर DOGR राजगुरुनगर का ऐसे वेराइटीज़ रिलीज होता है, इसका प्रिफिक्स होता है बीमा और लेट खरीफ वेराइटी होता है बीमा सुपर। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ सीन इन द ऑपरेशन ऑफ। सो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होता है पडलर्स में, बिकॉज पडलर्स इज वर्कड इन वाटरलॉग्ड कंडीशंस एंड वॉट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड विल बी मोर। ओके, सॉइल पार्टिकल द सॉइल पार्टिकल डेंसिटी वैल्यू वेरीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आंसर होता है पोरोसिटी। सो सॉइल पार्टिकल डेंसिटी होता है पार्टिकल्स का डेंसिटी, इंडिविजुअल पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल। सो इसका बिटवीन होता है पोर्स। सो पोरोसिटी से ये वेरी होता है। ओके, कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका आर डोमिनेंट विथ विच टाइप ऑफ क्ले। सो गाइस, ये है होमवर्क। सो इसका आंसर होता है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए। ओके, कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका आर डोमिनेंट इन विच टाइप ऑफ क्ले। सो क्रोमोसोम नंबर इन राइस, राइस का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 24। ओके, मिल्क फीवर इज़ ए डिसीज़ ऑफ। सो मिल्क फीवर होता है ना, ये मेटाबॉलिक डिसीज़ है। सो ये एक कॉज होता है ना ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। ओके, कैल्शियम डिफिशियंसी से मिल्क फीवर होता है। फ्लैश कार्ड्स आर यूज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ नॉट ओवर दैन। सो फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ करते हैं पर ओनली ग्रुप ऑफ पीपल विथ 30 ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज फ्लैश कार्ड्स विल बी डिस्प्लेड विथ एन A4 और A3 साइज एंड इट विल बी ओनली डिस्प्लेड फॉर अराउंड 30 पीपल विथ ए ग्रुप। ओके, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट ने फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। सो ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक में ये डिफ्रेंशिएटेड होता है बिकॉज इट इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच विल बी सोल्ड आउट। Okay. Organisms which use organic compounds as a source of carbon and energy is कीमोऑटोट्रोप्स. पर फोटोऑटोट्रोप्स ने यूज़ करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, पर कीमोऑटोट्रोप्स ने यूज़ करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. ओके. Concept of custom hiring service of agriculture implements is, so concept of custom hiring service of agriculture implements is offering the farm implement service on rental basis. So rental basis ने पर एक दिन और 1 week को ये rental basis पर implements को service देता है. Okay. Average power generated by a person is, average power generated by a person is 0.1 HP. Per 1 HP ने generated by pair of cattle or pair of bullocks. Okay. The stop codons are, stop codons का example होता है UAA, UGA and UAG. So where these are the stop codons and okay, and what are the start codons? AUG. AUG is the start codon. Molybdenum deficiency in cauliflower causes, so molybdenum deficiency in causes whiptail, whiptail को cause करता है. Okay. The term organic in India is applied to the agricultural products produced on the farm adhere to guidelines. So organic, whatever the organic agriculture products produced on the farm, which will be adhere to the National Organic Policy का guidelines को ये adhere होता है. पर अपेडा भी होता है, पर guidelines अपेडा थ्रू अपेडा मार्केटिंग विल भी होता है, पर एनओपी गाइडलाइंस को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ये एनओपी गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए. और बंगाल फेमाइन अकर्ड ड्यू टू, बंगाल फेमाइन एक डिसीज़ है, सो एक ड्यू टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस. ओके. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस को बंगाल फेमाइन ने कॉज की. ओके. Which one of the following igneous rocks has more ferromagnesian mineral? So ferromagnesian mineral, so इसका होता है basalt और granite भी, पर ये दोनों confusion देता है, पर इसका answer तुम्हें दीजिए को please comment section को comment कर लीजिए. Spontaneous mutations occurs due to, spontaneous mutation होता है at a very low frequency at the rate of 10⁻⁸ to 10⁻⁹. इसके rate में spontaneous mutation होता है. Pulses are good sources of, pulses को good sources हम कहते हैं, proteins का good source हम कहते हैं, और fats और vitamins को oil seeds कहते हैं, और carbohydrate को cereals को कहते हैं. मैकेनाइजेशन कॉजेस, सो मैकेनाइजेशन को, मैकेनाइजेशन ये अनएम्प्लॉयमेंट्स कॉज करता है, पर ये कॉज करता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज विथ द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके. कमर्शियल कल्टिवेटेड कोकोआ टाइप्स इन इंडिया, कोकोआ को हम कमर्शियल कल्टिवेट करते हैं फोरास्टेरो और क्रिएलो, पर मेजॉरिटी हम करते हैं फोरास्टेरो टाइप का. ओके. For 1-2 meter slope, the recommended crop resistance and crop permitting width is. So please इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए. ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लोप का प्रॉब्लम्स, और ध्यान से दीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए. फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इज़, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर को हम कहते हैं हेबरलैंड, हेबरलैंड को हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं. The soil management practice not advocated in heavy rainfall area is, so soil management practice को हम नहीं use करता है, so इसका answer होता है clean cultivation. Clean cultivation को हम नहीं heavy rainfall area पर नहीं use करता है, पर हेवी रेनफॉल एरिया पर हम मल्चिंग भी यूज़ करता है, और सॉइल कल्चर भी यूज़ करता है, और कवर क्रॉपिंग भी, पर इसका हेवी रेनफॉल एरिया पर हम क्लीन कल्टिवेशन नहीं यूज़ करता है बिकॉज इट कॉजेस इरोजन. ओके. Which of the following salt is acidic in aqueous solution? Aqueous solution को acidic होता है, पर all of this answer होता है, पर because nitrate, sulfate and sulfate, these ions released in water will react with the hydrogen ion to form the sulfuric acid, nitric acid, etc. Okay. Veblen goods are an exception for, so Veblen goods ने exception होता है law of demand का, Veblen goods exception होता है law of demand का. Method of harvesting in tobacco is, tobacco का harvesting method होता है nipping, nipping को method of harvesting का tobacco होता है. फ्यूल एंड एयर मिक्सिंग यूनिट इन पेट्रोल इंजन इज, फ्यूल और एयर बहुत मिक्स होता है कार्बोरेटर पर. ओके, टोटल रिटर्न इज मैक्सिमम व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. सो इसका आंसर होता है 1, पर इसका रीज़न को कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए. ओके, टोटल रिटर्न इज मैक्सिमम व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1. Shape of average fixed cost curve is, so all guys please note it down. For the fixed cost curve, it is always parallel to x-axis, because when we plot output versus cost, so if we not getting output also, the fixed cost will be same, because in the land when we are not cultivating also, the land will be there, and for that if you need to pay the revenue, it will be same only. So fixed cost will be always parallel to x-axis. नॉर्मल वाटर हैविंग द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेंट, सो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए और हम देखते हैं कितने सही आंसर लिखेगा. और हु प्रपोज द एक्सट्रैक्ट ऑफ टीएमवी एज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, टीएमवी को कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम को हम कहते हैं, और साइंटिस्ट ने कॉइन कर ली है. इसका आंसर होता है बाइजनिक ने. ओके, Sirtorinus lividipennis, green married bug, feeds mainly on the eggs and early stage nymphs of. So ये feed करता है नीला पर्वता लुकेंस पर, BPH brown plant hopper पर ये feed करता है. Okay. Molar disease of wheat is due to cyst nematode, Heterodera triticii और Heterodera avenae molar disease of wheat को cause करता है. ओल्ड कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज, ओल्ड कंप्यूटर को हम कंसिडर करते हैं एज ई वेस्ट. ओके, द पर्सन इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन इज, सो टी एंड वी सिस्टम को डेनियल बेनर ने इंट्रोड्यूस किया है. ओके, ड्रॉट अवॉइडेंस मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज, सो ड्रॉट अवॉइडेंस ऑफ मैकेनिज्म को, सो ड्रॉट अवॉइडेंस मैकेनिज्म होता है हम ड्रॉट को अवॉइड करता है. ओके, अब अवॉइड करता है पर इम्प्रूविंग द वाटर अपटेक, नॉट हम कंजर्व भी नहीं करता है पर इम्प्रूविंग द वाटर अपटेक, पर इंट्रोड्यूसिंग द अर्ली मैच्योरेशन क्रॉप इसका होता है ड्रॉट एस्केप होता है. ओके, ड्रॉट एस्केप इसका आंसर होता है. नेक्स्ट, नेम द motile स्पोर ऑफ द फंगस, सो motile स्पोर को हम कहते हैं ए स्पोर डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इसका आंसर होता है जू स्पोर, फंगस का स्पोर होता है. सो CV इज कैलकुलेटेड बाय, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय, सो इसका आंसर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 हमको CV का फॉर्मूला होता है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ जैम एंड बटर इज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ जैम एंड बटर इज मोर दैन 0, बिकॉज ये है परफेक्टली सब्सटीट्यूट्स होता है, पर इफ़ यू यूज़ ब्रेड ना, इफ़ यू यूज़ जैम वंस और यू यूज़ बटर, सो ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है. फॉर द परफेक्ट सब्सटीट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर दैन 1 और मोर दैन 0 और इट विल बी पॉजिटिव. ओके, रिपल्शन फेस ऑफ लिंकेज इज रिप्रेजेंटेड एज, रिपल्शन फेस को हम कहते हैं पर डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन विद द रिसेसिव अलील ऑफ अनदर जीन एंड रिसेसिव अलील ऑफ वन जीन विद डोमिनेंट अलील ऑफ अनदर जीन, सो इसका आंसर होता है ये. ओके, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अटेन्स ए शेप ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस इज, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ने इसका सेंटर होता है एग्जैक्टली सेंट्रोमियर ने, सो इसका शेप होता है वी शेप. ओके, कार्मिन रेड डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सो कार्मिन एक डाई होता है हम इसका एक्सट्रैक्ट करता है बाय कोचिनियल इंसेक्ट्स से. ओके, DNA इज प्रेजेंट इन, DNA प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. ओके, लाइसोसोम्स और गॉल्गी अपरेटस और वैक्यूल्स पर DNA नहीं एब्सेंट होता है. हीट यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड इन, सो हीट यूनिट्स को हम एक्सप्रेस करता है बाय किलोजोल्स, किलोजोल्स को हम यूज़ करके हम एक्सप्रेस करता है हीट यूनिट्स को. कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेंट एंटोनीज फायर और डेविल्स कट्स, इसका आंसर होता है क्लाविसेप्स पर्पुरिया, सो ये कॉज करता है एयरकॉट डिसीज और एयरकॉट डिसीज को हम कहते हैं सेंट एंटोनीज फायर और डेविल्स कट्स. So, loan lent by financial institution on pledging agricultural produce is. So, loan lent by financial institution. So, financial institution ने for agriculture pledge करने के बाद ये loan को sanction करता है. So, इसका आंसर होता है mortgage loan. Mortgage loan को हम कहते हैं pledging of agriculture produce पर. Collateral loan भी हम pledge करते हैं पर movable property को हम pledge करते हैं. Okay. Luffa cylindrica is the botanical name of. So, Luffa cylindrica is the botanical name of sponge gourd. और snake gourd का scientific name होता है Trichosanthes cucumerina और bottle gourd का name होता है Lagenaria siceraria. Okay, so Luffa cylindrica sponge gourd का scientific name होता है. An intensive teaching activity undertaken at an opportune time focusing on a particular problem is. So, a intensive teaching activity होता है for focusing on a particular problem. एक problem को हम लेकिन लेने के बाद हम teaching करता है. So, इसका answer होता है training. पर group discussion एक topic पर होता है पर teaching नहीं होता है पर discuss होता है. Campaign एक large activity होता है पर इसमें teaching नहीं होता है. और meeting भी एक problem को पर solve करने के लिए ये करता है पर teaching नहीं होता है. पर training को हम teaching कहते हैं. Seed treatment for sorghum with calcium chloride is for drought tolerance. So, calcium chloride को हम use करने के लिए हम treatment करने के लिए use करते हैं for drought tolerance because calcium provides the toughness to the seed. Okay, Indian Phytopathological Society was started by BB Mundkar. BB Mundkar ने Indian Phytopathological Society का start करनी है. Longhorn grasshopper tympanum is located is. So, longhorn grasshopper पर tympanum ने foreleg पर present होता है पर second abdominal segment को shorthorn grasshopper में tympanum located है. Okay. Okay. Indigenous breed of fowl is. So, indigenous breed of fowl को example होता है असील. असील को indigenous breed होता है पर लेकॉर्न कॉर्निश प्लाइमोथ रॉक ने ये exotic breeds of fowl है. Okay, commonly used windbreak tree around the orchard is. Commonly हम use करते हैं eucalyptus पर. Now, eucalyptus is banned. पर acacia को हम use करता है पर acacia भी water drain ज़्यादा करता है इसीलिए दोनों हम नहीं use करते हैं पर इसका आंसर होता है eucalyptus. Okay. Who proposed Koch postulates? Koch postulates is proposed by Robert Koch. Okay. Radioactive waste is generated from. Radioactive waste ने हम nuclear power plant को power plant से generate होता है पर nuclear power plant से हम uranium, radium और some of the what are the radioactive materials को isotopes भी waste होता है. Okay. Power engaging and disengaging part in the power train is. So, power engaging and disengaging part in the train is C. Clutch. Clutch को हम power engage भी करता है और disengage भी करता है. The enzyme used to cleave vector and target DNA in a gene cloning is. So, ये है plasmid. So, इसको हम भी cleave करता है और vector पर हम भी cleave करता है. So, इसका आंसर होता है restriction endonucleases. Restriction endonucleases ने break करता है vector और DNA पर. Indian Institute of Water Management is located in Bhubaneswar. Bhubaneswar पर Indian Institute of Water Management located है. The amendment used for reclamation of saline and alkaline soils is because in order to decrease the pH of these soils we use gypsum because from gypsum sulfate ion will be released which will decrease the pH of the soil which makes it the soil acidic. Okay. The Madras Agricultural Pest and Disease Act, first state act passed in the year. So, ये act pass होता है. So, इसका answer होता है option D. 1919 पर Madras Agricultural Pest and Disease Act, it was the first state act passed in against the pest and disease. Piston rings provided with the grooves are called as compression rings. So, piston rings provided with grooves हमको कहते हैं compression rings. The number of mango plants that can be accommodated in 1 hectare under hexagonal system with a spacing of 10 meter apart. So, इसका आंसर होता है 115 पर इसका कैलकुलेशन को कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ डाल लीजिए और हम देखते हैं किसी सही आंसर देता है. ओके. The total amount of cations that a soil can absorb is represented by which of the following abbreviation. So cation exchange capacity को हम total amount of cations that in a soil can absorb हमको represent करता है. State having highest production for groundnut is गुजरात स्टेट के groundnut production को ज़्यादा highest है. The cost incurred in the past which is irrevocable is called as sunk cost. Sunk cost को हम recover नहीं करता है पर ये past का cost है. Lacina is the part of. So lacina is the part of maxilla. Maxilla का एक part होता है lacina. Okay. The basic seed processing machine is. So basic seed processing machine होता है air screen cleaner and grader. Air screen cleaner और grader को हम कहते हैं basic seed processing machine. Okay. Biogas should have the following composition. So biogas में methane ज़्यादा होता है, carbon dioxide कम होता है. Therefore 60:40 is the ratio. ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स आर. सो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स का हम कहते हैं ये है सेग्रीगेंट्स विच आर सुपीरियर दैन बोथ ऑफ द पेरेंट्स और विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स हमको कहते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स. सो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी. दोज विच फॉल आउटसाइड रेंज ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स को हमको कहते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलियन वीड. ये एलियन वीड नहीं है. सो इसका आंसर होता है आजमोना मेक्सिकाना पर आइकोनिया पार्थेनियम एंड क्रोटॉन स्पीसीज बोथ आर दीज तीन होता है एक्सॉटिक वीड्स और एलियन वीड्स. एलियन वीड्स का मतलब होता है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्री और अदर प्लेस. ओके. आजमोना मेक्सिकाना ने इंडिजिनस वीड का एग्जाम्पल होता है. सीड पेरेंट्स यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड इस. हाइब्रिड सीड का हम यूज़ करते हैं ए लाइन. ए लाइन पर हम सीड का हार्वेस्ट करता है. ओके. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज मीडिएटेड बाय अमोनिया टू नाइट्रेट इज मीडिएटेड बाय नाइट्रोजोमोनास पर एनओ टू माइनस टू एनओ माइनस को हम इमीडिएट करता है नाइट्रोबैक्टर. ओके. Phorace is common in. So phorace is a mechanism which will be common in trichogrammatids. So phorace a method होता है a trichogrammatids का common होता है. So phorace का मतलब please comment section पर डाल लीजिए. Okay. Hemophilic insemination is present in. So hemophilic insemination is present in bed bugs. So hemophilic insemination का मतलब होता है ये मेल होता है ना, ये मेल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द हीमोसील ऑफ द फीमेल बॉडी. इसको हम कहते हैं hemophilic insemination. रेस्टिंग स्पोर ऑफ रस्ट डिसीज़ इन वीट इज. रेस्टिंग स्पोर को हम कहते हैं टीलियोस्पोर बिकॉज ये है आफ्टर द प्रोडक्शन इट विल बी डॉर्मेंट फॉर सम ऑफ द डेज एंड ये होता है रेस्टिंग स्पोर. ओके. There is no sin to kill rats which are responsible for huge national loss of foodstuffs is an example of. सो प्लीज़ इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए और हम देखते हैं किसी किस किस को सही आंसर देता है. पिग मीट इज नोन एज पोर्क. पिग मीट को हम कहते हैं पोर्क और चवन का मीट. चवन ये गोट का मीट होता है, बीफ कैटल का मीट होता है और ये व्हील काफ का मीट होता है पर छोटा कैटल और काफ का मीट होता है व्हील. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीडेटर इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ कॉटनी कुशन स्केल ऑन वाटल ट्री नीलगिरीस एंड कोडाई कैनाल. सो इसका आंसर होता है रोडोलिया कार्डिनालिस. रोडोलिया कार्डिनालिस को हम यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉटनी कुशन स्केल ऑन वाटल ट्रीज. द क्रॉप प्रेफर्ड एज वेजिटेबल मीट इज. सोयाबीन को हम कहते हैं वेजिटेबल मीट. ओके. प्लियोट्रोपी. प्लियोट्रोपी का मतलब होता है ए सिंगल जीन विच इज़ अफेक्टिंग मोर देन वन ट्रीट. इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी. ए सिंगल जीन होता है पर मोर देन वन कैरेक्टर को ये अफेक्ट करता है. Following physiological process is absent or nil in C4 plants. C4 plants were photorespiration absent here. Photorespiration is only present in C3 plants. Okay. Larva web the leaves or bore into stem, stack or leaf veins in cabbage. These symptoms are due to. So these symptoms are due to Heliula undalis, that is head borer. Head borer in cabbage ने ये symptoms देता है. Okay. Highest area under irrigation in India is due to the source of well irrigation. So ज़्यादा irrigation हम देता है through tube well or well irrigation. Okay. Choose the wrongly paired propagation method. So banana को हम micro propagation से करता है, pineapple को हम करता है slip से, not suckers. Okay, लीची को हम seed से करता है और सपोटा भी softwood grafting से करता है. Okay. In the seventh approximation, the soils of the entire world are grouped into 12 order. So entire world को according to seventh approximation 12 orders से हम group करता है. Major constituent of lac, lac का major constituent होता है wax, wax का major constituent होता है. Crab belong to the class, crab, crab which is belong to the class polypoda, polypoda का class से ये belong होता है. Okay, the conversion period from conventional to organic in annual crops requires. So इसका requirement होता है 3 years. So annual crop का normal crop से organic organic होने के लिए ये 3 year देता है. Okay. Microorganisms inhabiting bottom of the water bodies are referred to as, bottom of the water bodies को हम कहते हैं benthic और planktonic ये surface which is floating. Okay, benthic organisms को हम कहते हैं which is at the bottom of the water bodies. The chemical reactions of dark reaction of photosynthesis dependent on, so dark reaction का केमिकल रिएक्शंस वाटर पर डिपेंडेंट होता है. ओके, पर लाइट रिएक्शन का रिएक्शंस लाइट पर डिपेंडेंट होता है. ओके, कॉन्टूर बंड्स आर अडॉप्टेड इन, कॉन्टूर बंड्स को हम अडॉप्ट करता है फॉर लो रेनफॉल हैविंग एडिक्वेट इन्फिल्ट्रेशन. सो वेयर इन्फिल्ट्रेशन इज एडिक्वेट एंड इन लो एंड रेनफॉल एरियाज हम कॉन्टूर बंड को यूज़ करता है बिकॉज इन इफ़ क्ले सॉइल इज प्रेजेंट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है. So if in wherever clay soil is absent, हम contour bund को हम we can take the contour bunds. What is the percentage of SiO2 in quartz? So quartz is a major constituent. It is filled with 100% of SiO2. Okay. If the land equivalent ratio is more than 1, so land equivalent ratio होता है yield of the companion crops in an intercrop divided by yield of the total both compared. Okay, so if the component crops produce more yield than the sole crops, then land equivalent ratio is more than 1. Okay, an example for mass contact method is, mass contact method का example होता है television, television को mass contact method का example होता है और newspaper भी mass contact method का example होता है. सो गाइस, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है. प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.